हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ अरेबिकम के प्लांट्स मंगाए हैं। यूं कह लीजिए कि अभी सीडलिंग्स स्टेज में, अभी वो थोड़े से छोटे हैं और मैंने अभी कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पे एक सेलर दिखी थी जिनसे मैंने मंगाया है और उन्होंने भेजा है मुझे। उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैं बताऊँगा कि प्राइस क्या रहा और बाकी सारी चीज़ें, प्लांट्स के कैसे कंडीशन है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा अमेज किया, वो है इसकी पैकेजिंग। देखिए, ये एक प्लास्टिक बॉक्स में आया है मेरे पास, जबकि मैं कम से कम 100 बार तो प्लांट्स मंगा ही चुका हूँ। अभी तक ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और इवन मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई मुझसे मांगेगा कभी प्लांट्स या फिर मुझे कभी सेल करना होगा तो मैं कभी प्लास्टिक के बॉक्स में इसे पैक करूंगा। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने बड़ा इनोवेटिव तरीका चूज़ किया है, इसलिए ये पहला मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्स में प्लांट्स को नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं होता है। ये इजीली पहुंच जा चुकी है, हार्ड होता है, इस पे चाहे कितना भी प्रेशर पड़ेगा या फिर इसे जिस तरह से भी फेंका वेंका जाए, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जबकि जो कागज़ होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो कैटन्स होते हैं, तो उसमें प्लांट्स को थोड़ा नुकसान पहुंच जाता है। और इसमें एक चीज़ का मुझे डाउट है कि इसमें एरेशन प्लांट को नहीं मिल पाया है, तो ये डाउट मेरा खोलने के बाद क्लियर होगा कि प्लांट किस कंडीशन में है। अगर सलामती से मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि ये 5 तारीख का ये मेरे पास डिस्पैच हुआ, ये प्लांट आप देख पा रहे होंगे, और आज 10 तारीख है, तो 5 दिन में अगर ये प्लांट्स सेफ होंगे तो ये तरीका बड़ा अच्छा है जो मुझे सीखने को मिला, जो हमारी सेलर हैं झूमा रॉय चौधरी हलदार जी, इनसे मुझे सीखने को मिला है ये चीज़। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने एक अलग तरह का मीडिया लिया है इन प्लांट्स को लगाने के लिए, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चले फ्रेंड्स, पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ पहले। तो हमने इसे खोल लिया है दोस्तों, अब हम प्लांट्स को निकालते हैं। सबसे पहला सीडलिंग ये रहा, जो इसकी कंडीशन अच्छी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी है, और इसका साइज भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा इसके कॉडेक्स के साथ वॉश करने में हल्की सी छेड़छाड़ हो गई है, बट ये सरवाइव कर जाएगा। ये ब्लैक पैंथर की सीडलिंग है दोस्तों। इसका कंडीशन भी ठीक है, और ये एमके की सीडलिंग है। ये चोको केजेड ब्लैक की सीडलिंग, केजेड इनटू चोको ब्लैक की सीडलिंग है, और ये भी ठीक कंडीशन में है। हालांकि इसका टिप डिस्टर्ब हो गया है, तो ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है। ये कुछ इन्होंने सीड्स इसके साथ मुझे गिफ्ट दिए हैं, मुझे लगता है ये इसका नाम मिट गया है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कुछ गिफ्ट उन्होंने दिया है इसके साथ में। ये दूसरा, ये भी ब्लैक पैंथर का ही सीडलिंग है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर हम इसको कंपेयर करें साइज को अपने नाइफ से, तो इसका साइज आप देख रहे होंगे,
ये अच्छे कंडीशन में हैं सारे सीडलिंग, और अगर इनके प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से भी इनका जो साइज है और जो मुझे सीडलिंग्स मिली हैं ये अच्छी हैं, क्योंकि ये एक का प्राइस लगभग 200 के आसपास मुझे पड़ा है और 200 से भी कुछ कम का ही पड़ा है, और इसमें मेरा कुरियर चार्ज इंक्लूडेड था, अलग से मुझे कोई कुरियर चार्ज नहीं देना था, और इस रेंज में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मिला है। अगर आप भी सीडलिंग्स लेना चाहते हैं अरेबिकम के तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे रेट्स पे अच्छे सीडलिंग इनके पास से मिल जाएगा। इनका नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनकी डिटेल्स मैं प्रोफाइल की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप भी सीडलिंग्स मंगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था रिपोर्टिंग करते हुए एक मीडिया बताया था इन एडिनियम्स के लिए जो आप अपने सामने देख रहे हैं, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनके लिए मैंने एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक मीडिया चुना है, वो मैं रिपोर्टिंग के वक्त दिखाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि उसमें कैसी ग्रोथ है इन सब की, इनका अपडेट्स मैं दूंगा आपको। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी कुरियर से पौधे आते हैं तो सबसे पहले उनको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना होता है, साफ में या किसी भी मैंकोजेब या कार्बेंडाजीन वाला जो फंगिसाइड होता है उसमें उनको डिप करना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हम ये करेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग की वीडियो और जो क्या हमारा मीडिया इसके लिए हमने चूज़ किया ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए SS होम गार्डन को विजिट करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।